हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज बना रहे हैं वेट लॉस ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि हम बना रहे हैं रवा इडली स्टीम वाला। ये ब्रेकफास्ट है एंड यहाँ पे हमने डिप बनाया है, यानी कि चटनी कोकोनट एंड वॉलनट की, साथ में है ब्लैक कॉफ़ी एंड कुछ पिस्ता। और इस तरह से जो है बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ये बनने वाला है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। रेसिपी तो यहाँ पे हमने रवा इडली बनाना है, तो इस तरह से मैंने 1 कप यहाँ पे लिया हुआ है इडली मिक्स एंड 1/2 कप कर्ड। तो यहाँ पे इस तरह से ले सकते हैं, रेडी मिक्स आता है तो मैंने ये वाला यूज़ किया। आप चाहें तो प्लेन अपने घर का जो रवा होता है सूजी वो ले सकते हैं, और दही और उसमें कुछ मसाले डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर ऐसे ही बनाना है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें ये जो हमारे पास रेडी मिक्स का है इडली का, इसे डाल देते हैं। इसे सब कुछ मिक्स है, और साथ में ये कर्ड 1/2 कप डालेंगे। 1 कप अगर हमने रवा लिया है इडली का, और तो 1/2 कप हमने इसमें दही डालना है। कर्ड डाल देंगे, इसको मिक्स करते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। क्योंकि इडली का बैटर थोड़ा थिक होता है डोसा से, डोसे का बैटर थोड़ा सा पतला बनेगा, बट इसका थोड़ा सा थिक होगा। बस इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद इसको बनाएंगे। इसे कवर करके एक साइड रखते हैं। और अब जो है इसकी जो है इडली के साथ जो हमने चटनी लेनी है उसे तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लेंगे जो नॉर्मली गरी होती है, आपके पास इस टाइप की है तो ठीक है, नहीं तो अगर कच्ची वाली गरी होती है वो भी, उससे भी चटनी बनती है अच्छी। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सी ग्राइंडर जार ले लिया है। अब इसमें जो हमने गरी के टुकड़े कर रखे हैं ना, 1/3 कप के करीब है, तो इसको इस तरह से डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने वॉलनट लिए हैं, 2 से 3 वॉलनट इसमें डाल देने हैं इस तरह से। एक हरी मिर्च मैंने डाल देनी है, और ये इस तरह से। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 टीस्पून क्यूमन सीड, ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, नमक, और अगर आपको पसंद है तो गार्लिक के 3 क्लोव्स डाल सकते हैं, ये इस तरह से, लहसुन 3 जवे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेते हैं, फाइन पेस्ट बना लेंगे। चटनी देखिए इस तरह से रेडी हो गई है। चलिए अब हमने जो है इडली बनाना है। यहाँ पे देखिए इडली का जो ये बैटर तैयार किया था ना, काफ़ी थिक हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं। इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी सूजी फूल गई है तो इसलिए। ये बैटर जो है इडली बनाने के लिए रेडी है, इसे मोल्ड में डाल देते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैंने एक मोल्ड लिया हुआ है, इस तरह का जो ये ब्रेकफास्ट होता है काफ़ी हेल्दी रहता है, स्टीम वाले भी। तो अभी तक तो मैंने चीला के ही ब्रेकफास्ट अभी बताए हैं, अब ये इडली वाला भी बहुत ही बढ़िया बनता है, टेस्टी होता है, हल्का होता है, लाइट होता है ये। चलिए अब इसे रखते हैं स्टीमर में। हमने देखिए कढ़ाई में रख दिया, अगर आपके पास स्टीमर है तो उसमें रख सकते हैं, बट मैंने एक कढ़ाई ली है उसको मैंने रख दिया है पानी डाल के गर्म होने को। अब इसके साथ ये रख दिया मैंने, क्योंकि ये देखिए इसमें इस तरह से है स्टैंड, तो बस अब इसको रखते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, स्टीम कर लेते हैं इसको, और कवर कर देना इस तरह से। जब इसको ओपन करके देख लेते हैं, गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे देखते हैं, बढ़िया सा ये स्टीम हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। हमारा दूसरा बैच भी इडली का रेडी हो गया है इस तरह से। और ये देखिए 1 कप मैंने जो रवा में इडली मिक्स लिया था, 1 कप इडली मिक्स में 8 पीस बने हुए हैं, तो 2 लोग ले सकते हैं इस तरह से बना सकते हैं। इसे निकाल लेते हैं, प्लेटिंग करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हमने लिया एक बोट शेप की एक प्लेट ली हुई है, और आप चाहें जैसे भी आप सर्व करिए अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे हमने इडली लगानी है प्लेट में,
तरह से और साथ में ब्लैक कॉफी, अपनी टेस्ट वाइज ब्लैक कॉफी ले सकते हैं और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये पिस्ते में जो होता है पिस्ताश में काफ़ी अच्छे न्यूट्रिशन है, जिंक है, मैग्नीशियम वगैरह, तो इस टाइप की चीज़ें जो है ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में, जो कि वेट लॉस भी करेगा और हेल्दी भी रखेगा। सो आई होप कि ये रेसिपी पसंद आई होगी वेट लॉस ब्रेकफास्ट की, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, हेल्दी रहिए। ओके गाइज, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। टेक केयर।